नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। देश भर में आज असत्य पर सत्य की जीत का पर्व दशहरा मनाया जाना है। इस मौके को लेकर सभी प्रकार की तैयारियां कर ली गई हैं। रामलीला समितियों ने विजयदशमी मेले के लिए मैदान की सफाई से लेकर रावण का पुतला तैयार कर लिया है। बता दें कि दशहरा हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है। श्री राम के रावण का वध करने के बाद से इसे परंपरा अनुसार हर साल मनाया जाता है। वहीं से दिन मां दुर्गा ने महिषासुर का संहार भी किया था, जिस कारण आज के दिन को विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। तो ऐसे में आपको बता दें कि पूजा की विधि कैसी होनी चाहिए आज विजयदशमी के मौके पर। तो सबसे पहले आप एक चौकी पर लाल रंग के कपड़े को बिछाकर भगवान श्री राम संग मां दुर्गा की प्रतिमा को स्थापित करें, लाल पुष्पों से पूजा करें और गुड़ के बने पकवानों को भोग लगाएं। पूजा के बाद दान दक्षिणा दें, जरूरतमंदों को खाना खिलाएं। तो आज देश भर में दशहरे की धूम देखने के लिए मिल रही है। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जो रामलीला ग्राउंड समितियां हैं वो भी पूरी तरह से तैयार हैं। देश के लिए गोला बारूद से लेकर टैंक और तोप बनाने वाली आइंस्ट फैक्ट्री बोर्ड के कॉर्पोराइजेशन के बाद राजनाथ सिंह आज यानी दशहरे के दिन OFB की 7 अलग अलग कंपनियों का शुभारंभ करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दशहरे के मौके पर शस्त्र पूजा के साथ ही इन 7 कंपनियों को लॉन्च करेंगे। OFB की कुल 41 फैक्ट्रियां और 70,000 कर्मचारी हैं, जो अब एक बोर्ड की बजाय 7 कंपनियां यानी कि डिफेंस PSU पब्लिक सेक्टर यूनिट से जुड़े होंगे। सभी 41 फैक्ट्रियों को 7 कंपनियों में बांटा गया है। वो है यानी गोला बारूद से जुड़ी म्यूनेशन इंडियन लिमिटेड, राइफल, मशीन गन, तोप इत्यादि हथियार से जुड़ी एडवांस वेपन और इक्विपमेंट्स लिमिटेड टैंक BMP और ट्रक से जुड़ी आर्म्ड व्हीकल्स, सैनिकों की यूनिफॉर्म और टेंट, ये तमाम चीज़ें हैं जिससे जुड़ी ट्रूप कंफर्ट लिमिटेड, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी ऑप्टिकल लिमिटेड, पैराशूट ग्रुप्स और एनिलिस्ट्री ग्रुप से जुड़ी यंत्र सिस्टम और लीडर्स इंडिया लिमिटेड, ये वो कंपनियां हैं जिसको आज लॉन्च करने जा रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्रालय की माने तो कॉर्पोराइजेशन से OFB की काम करने के तरीके में बेहद बदलाव आएगा। इस कदम के बाद कंपनियों को काम करने की स्वतंत्रता मिलने के साथ साथ काम करने में दक्षता और जवाबदेही भी तय होगी। मंत्रालय की ओर से उठाए गए इस कदम से OFB का उत्पादन बढ़ सकता है और कंपनी ज्यादा मुनाफा देगी। वहीं सरकार के इस कदम से मार्केट में कॉम्पिटिशन भी देखने को मिल सकता है। तो आज दशहरे के मौके पर इन शस्त्र कंपनियों का उद्घाटन आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करने जा रहे हैं। लखीमपुर हिंसा मामले में पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी है। बता दें कि SIT की टीम हत्याकांड में शामिल सभी आरोपियों को लेकर कल घटनास्थल पर पहुंची, जहां पहुंचकर क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया। बता दें कि लखीमपुर कांड में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा और अंकित दास अगले 24 घंटे तक एक साथ पुलिस की कस्टडी रिमांड में मौजूद रहे थे। वहीं इस मामले में आशीष मिश्रा के घटनास्थल पर मौजूदगी को लेकर भले ही अंकित दास और खुद आशीष मिश्रा ने इनकार किया हो, लेकिन लखीमपुर पुलिस अब इस मामले में सर्विलांस सिस्टम की मदद लेगी और मोबाइल टावर के साथ साथ इंटरनेट कनेक्टिविटी की मदद लेकर आशीष मिश्रा की मौजूदगी में छानबीन भी करती हुई नजर आई है। तो लखीमपुर मामले पर लगातार जांच तेज होती हुई नजर आ रही है। आप बता दें कि कल क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया। इसके साथ दोनों दोस्तों को यानी कि आशीष और अंकित दास को आमने सामने बिठाकर पूछताछ भी की गई है। तो ये वो जगह है जहां पर कल सीन रिक्रिएट किया गया और यहीं पर थार ने किसानों को रौंदा था और यहीं पर हिंसा हुई थी। BJP के पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी ने कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों का एक बार फिर समर्थन किया है। गुरुवार को उन्होंने किसानों के समर्थन में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का एक वीडियो अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया। इसके साथ ही उन्होंने इशारों में बताया कि सरकार किसानों के आंदोलन का दमन कर रही है और ऐसे में वो अपने फर्ज को ध्यान में रखते हुए किसानों के साथ खड़े हैं। बता दें कि 41 सेकंड की वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन लिखा कि एक बड़े दिल के नेता की तरफ से कही गई बुद्धिमानी की बात। आप बता दें कि वरुण गांधी लगातार किसानों का समर्थन करते नजर आ रहे हैं और इसको लेकर वो अपनी ही सरकार से सवाल कर रहे हैं। लगातार वो योगी आदित्यनाथ को पत्र भी लिख चुके हैं। आपको बता दें कि लखीमपुर मामले पर भी उन्होंने ट्वीट किया था
और इस पर नाराजगी व्यक्त की थी। आप बता दें कि बीजेपी के पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी लगातार कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों का एक बार फिर समर्थन करते हुए नजर आए हैं। जिस तरह से लगातार किसान कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं तो वरुण गांधी उनका समर्थन कर रहे हैं। कल भी उन्होंने किसानों के समर्थन में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का एक वीडियो अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर पोस्ट कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने इशारों इशारों में कहा कि सरकार किसानों के आंदोलन का दमन कर रही है और ऐसे में वो अपने फर्ज को ध्यान में रखते हुए किसानों के साथ खड़े रहे हैं और रहेंगे। बता दें कि 41 सेकंड के वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन लिखा कि एक बड़े दिल के नेता की तरफ से की गई बुद्धिमानी की बातें, जिसको लेकर लगातार हर ओर चर्चाएं हो रही हैं। अमेठी में बसपा छोड़कर युवा नेता अरुण मिश्र कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। बता दें कि अरुण मिश्र अमेठी में बसपा के टिकट से मजबूत दावेदार बताए जा रहे थे, वहीं इसी बीच उन्होंने बीएसपी का हाथ छोड़ दिया। वहीं केंद्रीय कांग्रेस कार्यालय में जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंघल ने युवा नेता अरुण मिश्र को पार्टी में शामिल कराया। वरुण मिश्र के साथ साथ कई ग्राम प्रधानों और सैकड़ों अन्य युवाओं भी कांग्रेस पार्टी में शामिल होते हुए नजर आए। तो अमेठी की तस्वीरें आपको देख रहे हैं, जिस तरह से प्रियंका गांधी लगातार 2022 को लेकर तत्पर नजर आ रही हैं और जिस तरह से चुनावी मुद्दों को बना रही हैं, उससे कहीं ना कहीं लोग जो हैं तमाम दल बदल की राजनीति अपना रहे हैं। तमाम नेता जो हैं वो पार्टियों को छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम रहे हैं। ऐसा ही हुआ अमेठी में, जहां पर बसपा छोड़कर युवा नेता अरुण मिश्र कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। आपको बता दें कि अरुण मिश्र अमेठी में बसपा के टिकट से मजबूत दावेदार बताए जा रहे थे, उनकी मजबूती देखी जा सकती है, लेकिन इसी बीच बीएसपी को उन्होंने बड़ा झटका दे दिया। वहीं केंद्रीय कांग्रेस कार्यालय में जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंघल ने युवा नेता अरुण मिश्रा को पार्टी में शामिल कराया। वरुण मिश्रा के साथ साथ कई ग्राम प्रधान और सैकड़ों अन्य युवा भी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। रामपुर में हुनर हाट की प्रेस वार्ता के दौरान सीलिंग गिरने से बड़ा हादसा हो गया। वहीं इस दौरान हादसे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूदा केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को सुरक्षाकर्मियों ने बचा लिया। वहीं इस घटना के बाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी रही। बता दें कि ये हुनर हाट 16 से 26 अक्टूबर तक रामपुर जिले की नुमाइश ग्राउंड में लगाया जाएगा, जिसमें रामपुर की कारीगरी को खास महत्व दिया जाएगा। इसके अलावा हास्य कलाकार और सिंगर भी यहाँ अपनी कला का हुनर दिखा सकते हैं। तो रामपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, हुनर हाट में यहाँ पहुंचे केंद्रीय मंत्री, लेकिन यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बड़ा हादसा हो गया। आपको बता दें कि हुनर हाट कार्यक्रम को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीलिंग गिरने से हादसा हो गया। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने मुख्तार अब्बास नकवी को तुरंत बचा लिया। यूपी के बस्ती जिले में उस समय हड़कंप मच गया जब चैनापुर ब्रिज के पास सब्जी मंडी से पैसा लेकर आ रहे व्यापारी को बदमाशों ने गोली मार दी। बताया जा रहा है कि ये बदमाश बाइक पर सवार थे और उन्होंने व्यापारी को गोली मारकर उससे पैसे से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। वहीं गंभीर हालत में व्यापारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिन दहाड़े हुई इस वारदात के चलते व्यापारियों में खासा रोष देखने के लिए मिल रहा है। तो बस्ती की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर बदमाशों ने व्यापारी की गोली मार दी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है। बस्ती में इसकी बानगी देखने के लिए मिली है, जहां पर व्यापारी से पैसे से भरा बैग छीन लिया बदमाशों ने और उसकी गोली मारकर फरार हो गए। इसके बाद आनन-फानन में पुलिस मौके पर पहुंची, इस पूरे मामले की छानबीन में जुटती हुई नजर आई है। लेकिन सवाल ये है कि पुलिस लगातार कार्रवाई करने की बात कहती है, इसके बावजूद भी बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आते हैं। एटम एक बच्चे को बचाने के चक्कर में 5 लोग नदी में डूब गए। वहीं इन 5 लोगों में से 2 लोगों को नदी से सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका, जबकि 3 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। वहीं लापता लोगों की खोजबीन के लिए अब भी रेस्क्यू अभियान जारी है। तो एटा में ये दर्दनाक हादसा हो गया, जहाँ 5 लोग नदी में डूब गए, 2 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है, लेकिन 3 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश की जा रही है।
आगामी यूपी चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। इसी कड़ी में प्रसपा अध्यक्ष भी यूपी का रण जीतने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। वहीं इसी बीच इटावा में प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव ने चुनाव को लेकर अपना बयान दिया। शिवपाल यादव ने कहा कि उनको नेताजी वाला चरखा दाव चलना अभी बाकी है। उन्होंने कहा कि 2022 के चुनाव के लिए उनकी सपा से गठबंधन की संभावनाएं अभी खत्म नहीं हुई हैं, उनके लिए दरवाजे अभी भी खुले हैं। शिवपाल यादव ने कहा कि सामाजिक परिवर्तन रथ के जरिए प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होगा और वो किसी बड़े दल के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव को लेकर पुरजोर तैयारियां सभी पार्टियों की देखी जा सकती है। ऐसे में प्रसपा अध्यक्ष भी पूरी तरह से तैयार हैं। शिवपाल यादव का बड़ा बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि चरखा दाव चलना अभी बाकी है और अगर सपा उनके साथ गठबंधन करना चाहती है वो तो पूरी तरह से तैयार हैं और सपा के लिए उनके दरवाजे हमेशा खुले रहे हैं। कासगंज के कस्बा सिरपुरा एटागंज रोड स्थित श्री बांके बिहारी फिलिंग स्टेशन पर पेट्रोल डलवाने आए रंगबाज लड़कों ने हूटिंग करने के लिए मना करने पर युवकों से सेल्समैन आशुतोष यादव के साथ गाली गलौज करते हुए उसकी मारपिटाई कर दी। वहीं पीड़ित की ओर से मामले की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची लेकिन दबंग युवकों ने पुलिस के सामने भी बवाल कर दिया। वहीं स्थिति बिगड़ती देख पुलिस के उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले को किसी तरह से शांत कराया है। तो कासगंज की तस्वीरें आप देख रहे हैं, दबंग युवकों की दबंगई सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पेट्रोल पंप पर युवकों ने बवाल किया है। शाम 7 बजे मैं पंप पे आया, मैंने मशीन की रीडिंग ली, तब दो लड़के खड़े थे, पप्पू नाम है उसके पिताजी का, छोटा वाला लड़का था उसका नाम पता नहीं है मुझे। उसके बाद मैंने कहा, वो रेस दे रहे थे बाइक की, तो मैंने कहा भाई साहब थोड़ी आगे कर लो, उन्होंने फिर तेज देने कर शुरू कर दी रेस, फिर मैंने कहा, फिर उन्होंने गालियाँ दी और मेरा कॉलर पकड़ा। उसके बाद फिर यहाँ से वो सभी ने छुड़वा दिया, फिर वो चले गए। फिर 15-20 लड़कों को लेकर वो पंप पे फिर आए और मेरी मारपीट की 8:30 बजे। उसके बाद यहाँ से चले गए और मुझे मतलब मात तोड़ के मैं यहाँ से चला गया था, पंप खाली पड़ी हुई थी। हरिद्वार में ईएम के ऑटोमोबाइल कंपनी के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर हरिद्वार सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में ज्ञापन सौंपा है। कंपनी कर्मचारियों का आरोप है कि पिछले 2 महीनों से उन्हें वेतन नहीं मिला है और कंपनी प्रबंधन की तरफ से उन्हें सिर्फ झूठा आश्वासन ही दिया जा रहा है, जिससे अब उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। इसलिए कंपनी की तरफ से भुगतान नहीं किया जाता तो कर्मचारी भूख हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य होंगे। तो हरिद्वार से ये खबर सामने आई, जहाँ पर कर्मचारियों का लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। अपनी मांगों को लेकर भुगतान न होने पर भूख हड़ताल की चेतावनी भी उन्होंने दी है। सर, हमारा 2 महीने का वेतन नहीं मिला, ये 3रा महीना में भी आधे दिन निकल चुके हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने ना हमारा कोई प्रशासन साथ दे रहा ना कोई साथ दे रहा। हमने कोर्ट केस भी करके देख लिया, लेकिन सर हमारे पास इतना बजट नहीं है कि जो हम 3-4 महीने तक घर पर बैठ के अपना काम चला लेंगे। सर हमारे एक एक पैसे के लिए मोहताज हो चुके हैं हम, और किसी भी मैनेजमेंट को कॉल कर रहे हो, कॉल नहीं उठा रहा हमारी। आपके सामने मैंने अभी मैनेजमेंट को कॉल, सर ये ईएम के ऑटोमोबाइल्स कंपनी है, पुराना स्टैंडेज एरिया F35, और ये सर बाइक हीरो की बैंडर है, लेकिन अब जो मैनेजमेंट है वहाँ का, हमारे पहली बार 2 महीने का वेतन रोक रखा है इन्होंने, 3रा महीना ही हमारा चालू हो गया, लेकिन 23 तारीख से हम हड़ताल में बैठे, कोई भी नहीं आ गया हमारा ये हालचाल पूछ रहा कि भाई ये तुम्हारा ना कोई आश्वासन दिया जा रहा कि इतनी तारीख को कर देंगे, इतनी तारीख को कर देंगे। बस पिछले महीने से 7 तारीख से हमें समय पे समय दिया जा रहा। उत्तरकाशी के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जल जीवन मिशन की समीक्षा करते हुए कार्यों में तेजी लाने के निर्देश जल निगम और जल संस्थान के अधिशासी अभियंताओं को दिए। जो काम पूरी तरह से हो चुके हैं उनकी जियो टैगिंग करते हुए ऑनलाइन एंट्री करने के साथ ही सत्यापन करने के निर्देश भी दिए। जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल कार्य को लेकर संबंधित अधिकारियों के उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। इसी के साथ ही जिले की स्वास्थ्य इकाइयों में पेयजल संयोजन को लेकर सीएमओ को प्रमाण पत्र देने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। तो उत्तरकाशी में डीएम ने जल जीवन मिशन की समीक्षा की है, सीएमओ को दिए प्रमाण पत्र देने के निर्देश, साथ ही साथ कहा है कि सभी अधिकारियों को सुनिश्चित किया जाए कि वो सही तरीके से जहाँ जहाँ काम पूरा हो गया है उनकी टैगिंग करवाएं और आगे काम को और ज्यादा बढ़ावा दें, जहां जहां नहीं हुई है वहां के काम को जल्द पूरा किया जाए।
पौड़ी में संस्कृति विभाग उत्तराखंड की तरफ से लोक कलाकारों को चयनित कर उनका पहचान पत्र जारी किया गया। ये पहचान पत्र लोक कलाकारों को सभी प्रकार की सुविधाएं दिलाने में कारगर साबित होगा। देवभूमि उत्तराखंड के प्रसिद्ध शक्तिपीठ महाकालिंगा मंदिर पौड़ी गढ़वाल अल्मोड़ा के नव निर्मित मंदिर के उद्घाटन और मूर्ति स्थापना के अवसर पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के पर्यटन धर्मस्व और संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने लोक कलाकारों के लिए कई अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। कार्यक्रम के दौरान संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि उत्तराखंड के लोक कलाकारों को संस्कृति विभाग की तरफ से एक पहचान पत्र जारी किया जाएगा। इस पहचान पत्र में कलाकार का आधार नंबर, आय और अन्य सभी प्रकार के विवरण उपलब्ध होंगे। ये पहचान पत्र सभी कलाकारों को हर प्रकार की सुविधाएं दिलाने में बेहद उपयोगी हो सकता है। तो लोक कलाकारों के लिए कई घोषणाएं की गई है। नव निर्मित मंदिर का उद्घाटन भी यहाँ किया गया। आज सिद्धपीठ कालिंगा में यहाँ आकर के कुमाऊँ और गढ़वाल का संगम हो रहा है और विशाल जन समुदाय यहाँ पर आया हुआ है और सब यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद ले रहे हैं। मैं ये बताना चाहूँगा कि गढ़वाल और कुमाऊँ को जोड़ने वाली जो सड़कें हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर हम करने जा रहे हैं ताकि हमारे गढ़वाल और कुमाऊँ की कनेक्टिविटी जो है वो साकार हो। इसके साथ साथ विकास के बहुत से काम, जो पानी की पेयजल योजनाएं हैं उनको हम साकार कर रहे हैं। कई छोटी बड़ी सड़कों को हमने स्वीकृति प्रदान की है और इस क्षेत्र के अंदर इसको पर्यटन के मानचित्र पे हम लाए हैं। कालिंगा मंदिर को हमने शैव सर्किट के अंदर डाला है। इसके साथ साथ हमने कई स्थानों को यहाँ पर जो है उनको विकसित करने का, TRH बनाने का, शौचालय बनाने के हमने बहुत से यहाँ पर प्रोजेक्ट चालू किए हुए हैं। तो पौड़ी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पौड़ी में संस्कृति विभाग उत्तराखंड की तरफ से लोक कलाकारों को चयनित कर उनका पहचान पत्र जारी किया जाएगा। ये पहचान पत्र लोक कलाकारों को सभी प्रकार की सुविधाएं दिलाने में कारगर साबित होगा। आपको बता दें कि देवभूमि उत्तराखंड के प्रसिद्ध शक्तिपीठ महाकालिंगा मंदिर पौड़ी गढ़वाल अल्मोड़ा के नव निर्मित मंदिर के उद्घाटन और मूर्ति स्थापना के अवसर पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के पर्यटन धर्मस्व और संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने लोक कलाकारों के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं करते हुए कार्यक्रम के दौरान संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज कहते हैं कि उत्तराखंड के लोक कलाकारों को विभाग की तरफ से एक पहचान पत्र जारी किया जाएगा। इस पहचान पत्र में कलाकार का आधार नंबर, आय और अन्य सभी प्रकार के विवरण होंगे। ये पहचान पत्र सभी कलाकारों को हर प्रकार की सुविधाएं दिलाने में बेहद उपयोगी हो सकता है आने वाले समय में। उत्तराखंड में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वहीं हर संगठन के कर्मचारियों ने भी हड़ताल करने का मन बना लिया है। इसी कड़ी में नैनीताल में भी उत्तराखंड के पेयजल आउटसोर्स कर्मचारियों की 5 सूत्रीय मांग को लेकर हड़ताल शुरू कर दी है। भीमताल मुख्यालय और नैनीताल समेत कर्मचारी काम का बहिष्कार कर धरने पर बैठ गए हैं। मंडलीय सलाहकार सतम बाल्मीकि ने कहा है कि जब तक कर्मचारियों की मांगे पूरी नहीं होती, आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। तो 5 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। पेयजल कर्मचारियों ने ये धरना प्रदर्शन किया है और लगातार इनका प्रदर्शन जारी रहने की बात ये कह रहे हैं। तो नैनीताल की तस्वीरें, 5 सूत्रीय मांगों को लेकर इनका धरना प्रदर्शन लगातार जारी है, कार्य बहिष्कार करने की ये बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे संगठनों ने मन बना लिया है कि वो हड़ताल करेंगे। जो कर्मचारी हैं, जो काफी समय से परेशान चल रहे हैं, अब वो अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। सिकड़ी में नैनीताल में भी उत्तराखंड के पेयजल आउटसोर्स कर्मचारियों ने 5 सूत्रीय मांग को लेकर हड़ताल शुरू कर दी। भीमताल मुख्यालय और नैनीताल समेत कर्मचारी काम का बहिष्कार कर धरने पर बैठ गए हैं। मंडलीय सलाहकार सतम बाल्मीकि ने कहा है कि जब तक कर्मचारियों की मांग पूरी नहीं होती, तब तक उनका आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। देखिए सर, मैं पहली बार आपको पूर्ण रूप से विस्तार से ये बताना चाहता हूँ कि हमारे मंडल द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन 20 तारीख 2009 से ये चल रहा है मुख्य महाप्रबंधक कार्यालय पर, और आज तक कोई भी संतोषजनक कार्रवाई नहीं की गई है, जिसमें महाप्रबंधक महोदय द्वारा भी वार्ता की गई है और बीच में अध्यक्ष जनता द्वारा भी हम लोगों से वार्ता की गई है, लेकिन कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है, जिसमें कर्मचारियों को डराने का और फुसलाने का, भय पैदा करने का उनके अंदर ये तरीका अपनाया जा रहा है। और आज हमारे कार्य बहिष्कार का पहला दिन है, जिसमें अब आज को हमारा आंदोलन चरम सीमा पर पहुंचेगा। हम अगर यहाँ पर से हमारी मांग पूरी नहीं होती, चाहे हमें धरना देहरादून ले जाना पड़े या हमें आत्मधारण।
देखिए सर, मैं पहली बार आपको पूर्ण रूप से विस्तार से ये बताना चाहता हूँ कि हमारे मंडल द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन 20 तारीख 2009 से ये चल रहा है मुख्य महाप्रबंधक कार्यालय पर, और आज तक कोई भी संतोषजनक कार्रवाई नहीं की गई है, जिसमें महाप्रबंधक महोदय द्वारा भी वार्ता की गई है और बीच में अध्यक्षता द्वारा भी हम लोगों से वार्ता की गई है, लेकिन कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है, जिसमें कर्मचारियों को डराने का और फुसलाने का, भय पैदा करने का उनके अंदर ये तरीका अपनाया जा रहा है। और आज हमारे कार्य विस्तार का पहला दिन है, जिसमें अब आज को हमारा आंदोलन चरम सीमा पर पहुँचेगा। हम अगर यहाँ पर से हमारी मांग पूरी नहीं होती, चाहे हमें धरना देहरादून ले जाना पड़े या हमें आत्मदाह करना पड़े, लेकिन हम अपनी मांग पूरी कराकर करे बिना वापस नहीं आए। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।